यूक्रेन वर्सेस रसिया, जो कि अभी के टाइम पर एक बहुत ही बड़ा विवाद बन चुका है। ये दो देश अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ चुका है। वैसे हालात तो काफी महीनों पहले से ही खराब होने लगे थे। 10 नवंबर 2021 को पहली बार एक खबर आई थी कि रसिया ने अपने मिलिट्री सोल्जर्स को यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया है। 28 नवंबर तक ये क्लियर हो गया था कि रसिया के करीब 1,00,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़े हैं और वो जनवरी से मार्च के बीच में अटैक कर सकते हैं। अब दिसंबर में ये खबर पहुंची अमेरिका के इंटेलिजेंस को, जिसके बाद जो बाइडेन ने, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा अगर तुमने यूक्रेन पर हमला किया तो यहाँ से बहुत ही सख्त जवाब मिलेगा। खैर, अभी तक तो अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि रसिया ने बता दिया कि हम किसी से डरते वरते नहीं है। रूस ने यूक्रेन की आर्मी बेस और एयर बेस तबाह कर दिए। हालांकि यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उन्होंने रूस के 5 फाइटर जेट को मार गिराया है। वैसे आपको बता दूं, जब से सोवियत यूनियन टूटा है, रसिया हर 6 या 7 साल बाद यही चीजें करता आ रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। 2014 में रसिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया। इससे पहले 2008 में जॉर्जिया के कुछ एरियाज को रसिया ने ऑक्यूपाई किया, जिसके बाद 20% जॉर्जिया देश एक्चुअली में रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। इसके बाद मोल्डोवा, जो कि एक देश है ईस्टर्न यूरोप में, जिसका एक पूरा हिस्सा ईस्टर्न साइड का, जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां पर रहने वाले लोग भी रशिया से रीयूनियन करना चाहते हैं। अब जरा इस मैप को देखिए, ये जो ब्लैक डॉट्स है ना, वो रशिया की आर्मी ट्रूप्स हैं जिन्होंने पूरे यूक्रेन को घेर लिया है, और ये बेलारूस एंड क्रीमिया के अंदर से आ रहे हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंट्री में से किसकी मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है। तो पहले आप लैंड फोर्सेस को देख लीजिए, यानी कि थल सेना, जहां पर यूक्रेन के पास सोल्जर्स हैं 1,25,000 के करीब, तो वहीं रशिया के पास है 2,80,000 सोल्जर्स। टैंक्स की बात की जाए तो 2,105 टैंक्स यूक्रेन के पास है और 12,000 टैंक्स रशिया के पास है। तो यार, थल सेना जो है वो रशिया की पावरफुल है। अब देखते हैं एयरफोर्स, जो सोल्जर से एयरफोर्स में वो उतनी ही है जितने थल सेना में है, यानी कि यूक्रेन के पास 1,25,000, वहीं रशिया के पास 2,80,000। लेकिन बात आती है फाइटर जेट की, तो यार यूक्रेन के पास 69 फाइटर जेट हैं एंड रशिया के पास 772, जो कि यार काफी बड़ी संख्या है। वहीं अगर हम फाइटर हेलीकॉप्टर की बात करें तो यार यहाँ पर भी रशिया काफी आगे है, उसके पास है 1500 के करीब फाइटर हेलीकॉप्टर, वहीं यूक्रेन के पास है 112। तो यार एयर फोर्स एंड लैंड फोर्सेस में तो रशिया विनर है। बट अब बात आती है नेवी की, किसकी नेवी फोर्स पावरफुल है। तो यार यूक्रेन के पास नेवी में सोल्जर से 1500, वहीं रशिया के पास 2,50,000 के करीब। अगर हम बात करें कि किसके पास सबसे ज्यादा वॉरशिप एंड सबमरीन है, तो यार यूक्रेन के पास वॉरशिप 2 और सबमरीन 0 है। वहीं रसिया यहां पर भी बाजी मार लेता है, उसके पास 74 वॉरशिप और 51 सबमरीन है। तो यार कुल मिला के बोलें तो रसिया काफी ज्यादा पावरफुल कंट्री है यूक्रेन से। तो यार रिजल्ट आपके सामने है, यूक्रेन कहीं पर भी नहीं टिक सकता रसिया के सामने। लेकिन यार युद्ध होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होना ही था तो यार रसिया ने जितने भी हमले किए होते उसमें लाखों लोगों की जान जाती। बट उसने वहां हमले किए जहाँ लोग नहीं रहते हैं, इसलिए अभी तक किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। वैसे आप क्या सोचते हो, जो भी परिस्थिति अभी पैदा हुई है दोनों देशों के बीच, कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही कमाल की एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।